नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों अभी मैं इग्निस को ड्राइव कर रहा हूं और आपको पता होगा ये इग्निस मेरे ब्रदर एंड लॉ की है। तो इस गाड़ी को दोस्तों 3 साल से थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसकी सर्विस करानी थी जो कि 3 साल या 30,000 किलोमीटर पर होती है। हालांकि गाड़ी 30,000 किलोमीटर तो नहीं चली है, करीब 18,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, तो रनिंग थोड़ी कम है। सर्विस अभी करवानी थी, कॉल आ रहे थे, थोड़ा सा लेट हो गए हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों इग्निस की सर्विस के बारे में ही होने वाला है, और सर्विस का जो ये जो वीडियो है दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा। हालांकि मैं आपको सर्विस के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं दिखाऊंगा, सर्विस सेंटर पर कोई सूट नहीं करने देते, लेकिन आपको सारी डिटेल बताऊँगा कि मैंने किस तरह से अपनी गाड़ी की सर्विस कराई और कितने पैसे मैंने बचाए। अगर आप भी मेरी ये ट्रिक अपनाएंगे तो आपके अच्छे खासे पैसे बच जाएंगे। अगर आपके पास मारुति की गाड़ी है तो एक स्पेशल पैकेज मैंने लिया हुआ है जिसके तहत ये सर्विस कराई है, तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए गाड़ी को सर्विस सेंटर ले चलते हैं। सबसे पहले तो ग्वालियर में दोस्तों सर्विस सेंटर की अगर बात करें तो प्रेम मोटर से मैं सर्विस कराता हूँ, और प्रेम मोटर का जो सिटी में सर्विस सेंटर है ना उस पर बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, बहुत ज़्यादा रश रहता है। तो मैं सिटी से बाहर जो सीयूपी लिंक रोड पर सर्विस सेंटर है यहाँ पर आया हूँ, और यहाँ पर जो है सर्विस भी अच्छे से हो जाती है और यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं रहती, तो तसल्ली से सर्विस हो जाती है। तो मैं यहाँ पर लेके आया हूँ अपनी गाड़ी को, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर जो सर्विस सेंटर है प्रेम मोटर का। तो यहाँ पर दोस्तों सारी गाड़ी की डीलरशिप भी मिलेगी और ऑथोराइज सर्विस सेंटर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत सारे यहाँ पर आपको शोरूम मिलेंगे, सर्विस सेंटर मिलेंगे। पीछे हमारे स्कोडा का रह गया, अगर आप यहाँ देखेंगे तो एमजी का शोरूम है, जेसीबी का शोरूम है, जेसीबी तो हमें खरीदनी नहीं है, साथ में निसान का भी शोरूम है, आगे टाटा का भी है। तो बहुत सारे जो है शोरूम इस रोड पर आपको देखने को मिलते हैं। तो आगे चल के ही प्रेम मोटर का शोरूम भी है, वहीं पर जो सर्विस है वो होती है। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये सर्विस सेंटर है और डीलरशिप है प्रेम मोटर की, यहाँ पर सिपरी लिंक रोड पर। तो चलिए ले चलता हूँ मैं गाड़ी को। तो गाड़ी अंदर देते हैं और कैमरा करते हैं ऑफ। तो गाड़ी अंदर एंटर कर ली, यहाँ पर है सर्विस सेंटर। तो गाड़ी लगाते हैं और मैं आपको, तो यहाँ पर दोस्तों गाड़ी लगा दी है, अभी सर्विस एडवाइज़र आ गए हैं। मैंने पूछा कि कितना खर्चा आएगा, पहले इनको एस्टिमेट बताने देते हैं फिर गाड़ी को अंदर देंगे। तो फाइनली दोस्तों अभी हमने गाड़ी तो दे दी है और जॉब कार्ड वगैरह बना लिया है, अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद कि हम क्या क्या करवा रहे हैं। चूँकि ये मेजर सर्विस नहीं है, 30,000 किलोमीटर वाली जो सर्विस होती है ना ये नॉर्मल सर्विस है, इंजन वगैरह चेंज होता है, लेकिन उसके अलावा भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जैसे कि एसी फिल्टर वगैरह भी क्लीन कराना है या फिर रिप्लेस कराना है, तो उसका चार्ज अलग से लगेगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर से, गाड़ी को अंदर देते हैं उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो अभी दोस्तों हम ब्रेजा से जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी हमने छोड़ दी थी, हमने सोचा 2-3 घंटे लगेंगे तो गाड़ी छोड़ देते हैं फिर आराम से ले लेंगे। तो सर्विस तो गाड़ी की हो गई है, फ़ोन भी आ गया है, तो अब चलिए गाड़ी को लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि सर्विस में कितना खर्चा आया है। तो फाइनली दोस्तों गाड़ी हमारी रेडी हो गई है, हमने गाड़ी को छोड़ दिया था, हम ब्रेजा से आए थे, ब्रेजा उस तरफ खड़ी हुई है, और अब जो है मैं आपको बिल दिखा देता हूँ। गाड़ी बिल्कुल एकदम चकाचक कर दी इनने, बिल ये समझ लीजिए दोस्तों बहुत ही कम आया है, लेबर चार्ज वगैरह बहुत कम है क्योंकि ये पेड सर्विस थी, मेन चीज़ होती है लेबर चार्ज। तो लेबर चार्ज भी मैं आपको बताऊँगा और इतना डिस्काउंट कैसे लिया वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए अब मैं आपको बिल दिखा देता हूँ। तो फाइनली दोस्तों गाड़ी की सर्विस हो चुकी है, हम लोग गाड़ी छोड़ गए थे, अभी एक एसी का जो फिल्टर था वो डीलरशिप पे था नहीं, तो यहाँ जो पार्ट्स का जो स्टोर है मारुति का ग्वालियर में वहाँ आए थे, तो एसी फिल्टर जो था वो भी लगा लिया है, 199 का एसी फिल्टर आया। और अब मैं आपको बिल दिखा देता हूँ, गाड़ी एकदम चकाचक हो गई है अंदर और बाहर से, आप देख भी पा रहे होंगे। तो बिल जो है ना दोस्तों बहुत ही कम आया है, वो कैसे आया वो भी मैं आपको बताऊँगा। अगर आप यहाँ देखेंगे दोस्तों जो टोटल आया ना दोस्तों वो आया है 2899 यानी 2900 रुपये। ये एक पेड सर्विस का बिल है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों 30,000 किलोमीटर पर जो सर्विस होती है ना उसका बिल है। अब इसमें दोस्तों क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं यानी कि क्या क्या सामान लगा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ देखें तो 1490 रुपये का इंजन ऑयल है, सॉरी 1490 रुपये इसकी लेबर चार्ज है, और 596 रुपये इस पर डिस्काउंट दिया गया है, यानी 40% का डिस्काउंट दिया गया है, GST वगैरह लगाने के बाद डिस्काउंट दिया गया है। अब यहाँ पर जो चीज़ें चेंज की गई हैं उनका पार्ट नंबर और जो प्राइस है वो भी देख पा रहे होंगे, गैसकेट है, ड्रेन प्लग और इंजन ऑयल हो गया, एयर फिल्टर असेंबली को ऑयल फिल्टर असेंबली हो गई, और इसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं, अगर आप यहाँ देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो गाड़ी जा रही है इसलिए मैं अभी डिटेल में नहीं बता पा रहा, बाकी सब ठीक है।
तो अभी दोस्तों मैंने आपको बिल दिखा दिया 2900 रुपये में टोटल पेड सर्विस हमारी हो गई है 30,000 किलोमीटर वाली या 3 साल वाली। अब ये इतनी सस्ती ऐसे हो गई दोस्तों क्योंकि हमको एक ऑफ़र था 3500 रुपये में दोस्तों आप सर्विस करा लीजिए, इसमें सारी चीज़ें उन्हीं की तरफ से रहेंगी जैसे कि इंजन ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल और जो फ्लूड वगैरह है, इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक चेक वगैरह हैं और इंजन स्कैनिंग वगैरह सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। तो हमने सोचा कि 3500 रुपये में कराएंगे। फिर हमारे पास एक ऑफ़र और था दोस्तों कि लेबर पर 40% का डिस्काउंट दिया जाएगा अगर आप सर्विस कराते हैं तो 40% का डिस्काउंट मिलने के बाद मैंने दिमाग लगाया कि ये तो जो है और भी सस्ता पड़ जाएगा, हम 3500 वाला पैकेज क्यों लें। तो हमने एक नॉर्मल सर्विस कराई है जिसमें इंजन ऑयल चेंज कराया, ऑयल फिल्टर चेंज कराया, एसी का जो फिल्टर है वो बाहर से डलवा लिया, इसके अलावा ड्रेन प्लग जो चैम्बर का नट होता है वो चेंज कराया, फ्लूड वगैरह भरवाया, तो उसके चार्ज लगे हैं। इसके अलावा जो लेबर चार्ज बन रहा था दोस्तों उस पर हमको 40% का डिस्काउंट मिल गया, इस वजह से ये सर्विस इतनी सस्ती हो गई। तो 40% का डिस्काउंट हमने ले लिया और जो 3500 रुपये वाला जो पैकेज था हमने वो नहीं लिया। अगर हम 3500 वाला पैकेज ले लेते तो उसमें हमको लॉस हो जाता और सारी वही चीज़ें थी। इसके अलावा इसमें कुछ एक्स्ट्रा काम कराना नहीं था, हमने बैलेंसिंग अलाइनमेंट कराया नहीं तो है। इस तरह से दोस्तों हमको ये सर्विस इतनी सस्ती पड़ गई है। और आप भी दोस्तों गाड़ी की सर्विस अगर करा रहे हैं तो पेड सर्विस कराते समय उनसे ऑफ़र के बारे में पूछिए, पैकेज के बारे में पूछिए। तो आप भी चाहें तो 3500 वाला पैकेज भी ले सकते हैं जिसमें इंजन वगैरह सारी चीज़ें आपको उसी में इंक्लूड मिलेंगी। बाकी अगर आपको एक्स्ट्रा ऑफर मिल जाता है जैसे लेबर पर 40% का डिस्काउंट हमें मिला, अगर आपको मिलता है तो आप भी वहाँ से सर्विस करा के अपने पैसे बचा सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।